एवरीवन, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल शिवान स्टडी हब में। जैसा कि आप लोग का सेमेस्टर एग्ज़ाम की डेट सीरीज जारी कर दी गई है, आपका पेपर स्टार्ट है, तो अब आपको तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। और आप अगर सेमेस्टर एग्ज़ाम को लेकर परेशान हैं, कहाँ से चीज़ें कवर करें, MCQ कहाँ से करें, PYQ कहाँ से करें, तो वो सारी की सारी चीज़ें आप हमारे कोर्सेज से जुड़ सकते हैं। काफ़ी बच्चों ने भी लिया है, क्योंकि काफ़ी बच्चे परेशान हैं कि मैम मेरा फिफ्थ सेमेस्टर अच्छे से नहीं गया था, उसका रिज़ल्ट अच्छा भी नहीं आया है। तो बात करें यहाँ पर, आप अगर लास्ट सेमेस्टर हो, बहुत अच्छा परसेंटेज चाहते हो, CGPA, तो आप हमारे कोर्सेज में ज़रूर इनरोल हो सकते हो। ठीक है, देरी ना करो बिल्कुल भी, क्योंकि देखो आपको कॉलेज वगैरह में कुछ भी नहीं पढ़ाया गया है, सिलेबस बहुत ज़्यादा नया है, तो कोई भी लापरवाही ना करो। आप यहाँ पर इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, डेमो ले सकते हैं, बिल्कुल आपको MCQ मिलेगा। जैसा कि आप फिफ्थ सेमेस्टर में देखे थे, पेपर का लेवल जो था GST वगैरह का थोड़ा सा टफ था, तो बिल्कुल आपको बहुत डे बाय डे जो पेपर का लेवल जो है क्या टफ होते जा रहा है, तो तैयारी भी उसके अकॉर्डिंग आपको अच्छे से करनी होगी, कॉन्सेप्ट वगैरह भी आपको क्लियर करना होगा। तो वीडियो लेक्चर्स जो कि यहाँ आपको इसमें प्रोवाइड किए जाएंगे, सबके लिए नहीं है, ये सिर्फ पेड वाले बच्चों के लिए। PYQ, मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQ और कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे हिंदी या इंग्लिश दोनों में। तो देरी ना करो, जल्दी से कोर्स में एनरोल हो जाओ। ओके, आराम से लेके पढ़ो, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, तो इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। तो देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है द टर्म मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग सबसे पहले यूज्ड कब किया गया? 1920, 1950, 1959। आपके एग्ज़ाम में चार ऑप्शंस रहेंगे, ठीक है, ऐसा मत समझना कि तीन ऑप्शंस होंगे, चार ऑप्शंस होंगे। सबसे अगर हम टर्म मैनेजमेंट प्रबंधकीय लेखांकन की बात करें, तो सबसे पहले यूज्ड किया गया था 1950 में, 1950 में, याद रखना 1950 में मैनेजमेंट अकाउंटिंग को सबसे पहले यूज किया गया था। दूसरा क्वेश्चन है द यूज़ ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। भाई मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम क्या होता है, इसका यूज़ क्या, कंपलसरी होता है, ऑप्शनल, स्टेटरी? तो जो यूज़ होता है दैट इज़ ऑप्शनल। पहला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में किस क्या चीज़ रिकॉर्ड करते हैं, ओनली स्टैंडर्ड डेटा को, एक्चुअल डेटा को, कि बस डेटा को? आपने पढ़ा होगा वित्तीय लेखांकन, उसमें जो भी आपके एक्चुअली डेटा, एक्चुअल डेटा। अब मैम आप पूछोगे कि एक्चुअल डेटा और यहाँ पर स्टैंडर्ड डेटा का मतलब क्या होता है? अगर ये सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट अगर आपको समझने हैं, तो आप नोट्स वगैरह कर सकते हो, और जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो वहाँ से आप चीज़ें इजीली कर लोगे, ठीक, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ दिए जाए, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपसे बोल रही हूँ, एक सेकेंड, ठीक है, न्यूमेरिकल भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड मतलब एक, स्टैंडर्ड मतलब एक्सपेक्टेड, अगर हम बात करें एक्सपेक्टेड डेटा की, ठीक है, ये हम मान के चलते हैं। एक्चुअल का मतलब हमने उस पर कितना खर्च किया, एक्चुअली में वो कितना स्पेंड किया हमने उस पर, तो दैट इज़ एक्चुअल डाटा, ऑप्शन नंबर बी। फोर्थ है मैनेजमेंट अकाउंटिंग किससे संबंधित होता है? एनालिसिस ऑफ अकाउंटिंग डाटा, बिल्कुल होता है, जितने भी डेटा हैं उसको एनालिसिस करना, बी उसको प्रेजेंट करना, और डी बोथ ऑफ देम, हाँ दोनों के दोनों होते हैं, सी ऑप्शन। फिफ्थ है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या चीज़ें दिखाई जाती हैं? कॉस्ट ऑफ द पीरियड, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइजेस, प्रॉफिट या लॉस ऑफ द पीरियड। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बेसिकली यहाँ पर क्या चीज़ें दिखाई जाती हैं, जो भी लाभ हानि है, प्रॉफिट या लॉस ऑफ द पीरियड। क्वेश्चन नंबर सिक्स है स्टैटिक एनालिसिस को किस नाम से जाना जाता है? हॉरिजेंटल एनालिसिस, वर्टिकल एनालिसिस, डायनेमिक। अब ये तीनों तरह के एनालिसिस में क्या चीज़ें होती हैं उसको डिटेल में समझेंगे, तो बेसिकली दैट इज़ बी, दैट इज़ वर्टिकल एनालिसिस। सेवन नंबर क्वेश्चन देखें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड अ समरी ऑफ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने पढ़ा होगा, ये किस चीज़ का समरी होता है, सारणी बोले तो, अगर किस चीज़ का होता है, एसेट्स, अकाउंट, लाइबिलिटी। तो फाइनेंशियल अकाउंट दैट इज़ अ, ये तो हम नहीं कह सकते सिर्फ एसेट्स का होता है, एसेट्स और लाइबिलिटी पूछता तो किस में होता, बैलेंस शीट में। तो ये एक तरह की समरी होती है अकाउंट की, ठीक है। चलो, एट्थ है प्रिमिलरी एक्सपेंसेस किस तरह का एसेट्स है? इनटेंजिबल एसेट्स हैं, करंट एसेट्स हैं, फिक्टिशियस एसेट्स हैं। तो प्रिमिलरी एक्सपेंसेस दैट ऑल फिक्टिशियस एसेट्स। अब ये बताओ फिक्टिशियस एसेट्स क्या है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इनटेंजिबल एसेट्स क्या है, करंट एसेट्स है, ठीक है। अगर आप आंसर्स कमेंट करते हो तो उससे आपको जल्दी चीज़ें रिकॉल होती हैं। तो तीनों किस तरह के एसेट्स हैं आपको बताना है।
क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनर का कि ये क्वेश्चन आपको देखने को ही मिलेगा। गुडविल एक तरह का इंटेंजिबल असेट्स हैं, फिक्टिशियस असेट्स है, करंट असेट्स है, तो गुडविल इज अ इंटेंजिबल असेट्स। 10 नंबर क्वेश्चन है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होते हैं वो एस्टिमेटेड फैक्ट्स होते हैं, एंटिसिपेटेड फैक्ट्स होते हैं, रिकॉर्डेड फैक्ट्स होते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम ये क्या होते हैं, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर रिकॉर्ड की जाती हैं, जितने भी वहाँ पर फैक्ट्स डेटा वगैरह होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन करंट लाइबिलिटी, यहाँ पर कौन सी एक नॉन करंट लाइबिलिटी है, क्रेडिटर्स हो गया, बिल्डिंग हो गया, डिबेंचर्स हो गया, तो कौन सी नॉन करंट लाइबिलिटी है, दैट इज 11th का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिबेंचर्स। ठीक है, 11th का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 है, डेप्रिशिएशन ऑन बिल्डिंग, क्या है डेप्रिशिएशन ऑन बिल्डिंग, इज एप्लीकेशन ऑफ फंड, सोर्सेज ऑफ फंड, नो फ्लो ऑफ फंड। आपने पढ़ा होगा फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट में एक होता है एप्लीकेशन ऑफ फंड और सोर्सेज ऑफ फंड। तो जो डेप्रिशिएशन ऑन बिल्डिंग की अगर हम बात करें, यहाँ पर कोई फ्लो ऑफ फंड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 है, इंक्रीज इन सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, एक तरह का सोर्स ऑफ फंड है, एक तरह का यूज़ ऑफ फंड है, ये एक तरह का नो फ्लो ऑफ फंड है। तो दिस इज इंक्रीज इन सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, दिस इज अ टाइप ऑफ सोर्स ऑफ फंड। याद रखना, ये भी हम लोग डिटेल में समझेंगे कौन कौन सी चीज़ें एप्लीकेशन ऑफ फंड में आती हैं, कौन कौन सी चीज़ें सोर्सेज ऑफ फंड में आती हैं। 14 नंबर है, करंट असेट्स में क्या चीज़ें शामिल होती हैं, फर्नीचर हो गया, गुडविल हो गया, स्टॉक हो गया। तो करंट असेट्स में क्या होता है, चालू संपत्तियों में ये हमारी क्या होती हैं, सी, ये चीज़ें शामिल होती हैं। ठीक है, होता है ना, करंट असेट्स माइनस स्टॉक। ठीक है, तो उन सबसे भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं जिसको हम लोग देखेंगे। 16 है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स कैलकुलेटेड बाई एडिंग बैक टू द प्रॉफिट ऑल नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑल नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स की नाइदर ऑफ, तो जितने भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स होते हैं उसको हम कैलकुलेट क्या करते हैं, जितना भी प्रॉफिट है पिछले का, जितना भी प्रॉफिट्स है उसको ऐड करते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है यहाँ पर, ऑल नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ये कुछ 16 एमसीक्यू थे। नेक्स्ट सीरीज में और सारे एमसीक्यू, सारे सब्जेक्ट के हम लोग एमसीक्यू देखेंगे। चैनल पर पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर सभी लोग ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि काफ़ी बच्चे टेलीग्राम से ज्वाइन नहीं होते हैं और बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं करते हैं, तो काफ़ी लोग को अपडेट्स नहीं मिल पाती है। और अपने दोस्तों में, ग्रुप में, ठीक है, शेयर वीडियो को ज़रूर करिएगा। एंड कोई भी क्वेरी हो, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और भाई, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी। ओके, थैंक यू।